तो गाइज ये कहानी है कलहाड़ी की, जब मैं लैंड किया था रिफाइनरी पे और मेरे चारों बगल बंदे ही बंदे थे जितना जितना तुम देख सकते हो, और मेरे पीछे से मुझ पर गोलियां चलाई जा रही थी और मुझे अभी तक एक भी गन नहीं मिली थी। यहाँ पे कोई गन नहीं था तो मैं सोचता हूँ जिपलाइन से नीचे भाग लूँ। फिर मैं जब नीचे भाग रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि नीचे भी ऑलरेडी दो बंदे मेरे सामने भाग रहे हैं। फिर क्या था, मुझे लगा मेरा वीडियो ख़त्म और मैं भी ख़त्म। फिर मैं भागा अपोजिट साइड पूरी जान लगा के, और भागते भागते मैं पहुंच गया बेफ्रंट। यहाँ पे मुझे मेरी पहली गन और दूसरी गन मिनी यूजी और एक वुडपेकर मिली, और इसी तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पे बेफ्रंट भी कोई बंदे नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लूट शुरू कर देता हूँ, और गाइस अभी लूट कर रहा हूँ। जब तक मैं लूट करता हूँ तब तक तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए। और गाइस इसी के साथ मेरी लूट लगभग कंप्लीट होने वाली है। मेरे पास स्ट्रॉन्ग गन आ चुकी है शॉर्ट रेंज में, वुडपेकर लॉन्ग रेंज में एंड एक ग्रैपलिंग हुक, और मैं यहाँ पे लूट कंप्लीट करके निकल रहा हूँ बेफ्रेंड्स। और निकल के मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, तभी मैं सामने देखता हूँ कि कमांड पोस्ट पे ऑलरेडी कुछ फाइट हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, और तभी मुझे मेरा पहला दुश्मन मिलता है इस गेम का, जो कि इस बगल वाले कैंप से बाहर निकला। और मैं उसे हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, बट उसे हेडशॉट लगता नहीं है, और कहीं ना कहीं वो बच के निकल जाता है। और मैं तभी दूर में भी कुछ बंदे दिखते हैं जिससे मैं डैमेज देता हूँ थोड़ा सा 57 का, बट तभी मुझे नीचे से मुझे फुटस्टेप्स आती है, और तभी मेरे अंदर की एक अंदरूनी शक्ति बाहर निकलती है और एक ड्रोन छोड़ती है, जो ड्रोन जाके उसे लग जाता है और वो वहीं रुक जाता है। और मैं पीछे से जाके पीले हेडशॉट मार के उसे नॉक करता हूँ। फिर मैं बाहर में एकदम स्टाइल से घूमने लगता हूँ, सोचता हूँ यार मैं तो सबसे पीरो प्लेयर आदमी। फिर मैं देखता हूँ कि यार एक और बंदा मुझ पर कूद चुका है, और मैं इसे भी नॉक कर देता हूँ पीले हेडशॉट मार के। और फिर मुझे दूर से दो बंदे और फायर करते हैं, फिर मैं बहुत खुश अंदर से, तो यार ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मतलब मैं ही हूँ एक दुनिया में सबसे पीरो प्लेयर फ्री फायर का, क्योंकि पीले हेडशॉट मार के बंदे नॉक करता हूँ। ठीक है, फिर मैं बाहर घूम रहा था तभी मैं देखता हूँ कि उसे रिवाइव किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि वॉल डाल के रश कर दूँ, बट मेरा सिर्फ 12 एमओ था। और फिर मैं देखता हूँ पीछे से एक और बंदा आ चुका है इसका, अभी मेरे सामने थे तीन बंदे, मैं था अकेला, मेरे पास 3 ग्लोबल और सिर्फ 12 एमओ शॉटगन की। तो मैं कहीं ना कहीं अपने दिमाग का सही यूज़ करता हूँ, और देखता हूँ कि वो बंदे गधे हैं जो कि मुझे कहीं और ढूंढ रहे हैं। फिर मैं मौका देख के निकल जाता हूँ शॉप की तरफ, जहाँ जाके मैं दुकान से ख़रीदता हूँ अपनी शॉटगन एमओ, और जल्दी से मैं ट्रंगन की 40-50 एमओ ख़रीद लेता हूँ। और फिर उसके बाद जाके गाइस मारेंगे वो वाली स्क्वाड, छोड़ने तो नहीं वाला। ठीक है, मेरा ऐसा मैंने पूरा मन बना लिया था कि ये स्क्वाड मैं मार के रहूँगा। ठीक है, तो अभी देखो गाइस मैं कैसे मारने वाला हूँ इस स्क्वाड को। और गाइस अगर अभी तक तुम लोग वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार मैं इस तरह का वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, ठीक है, वॉइस ओवर वाला। देखते हैं गाइस, मेरे को पहला बंदा मेरे को दिख चुका है जो कि मेरे बगल में ही है, और मुझे यूएवी रडार में दिख रहा है, और कहीं ना कहीं मैं उनको भी ढूंढने के लिए निकल चुका हूँ। मुझे तभी एक बंदा दिख जाता है इस फेंस के पीछे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि उसे ना मारूँ अभी। फिर मैं बाहर देखता हूँ कि एक और बंदा गधेरों की तरह पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है, रश कर देता है, और मैं इसे आराम से पीले हेडशॉट मार के नॉक कर लेता हूँ, और उसे जल्दी से फिनिश कर लूँगा वुडपेकर से। और फिर उसके बाद फिर मुझे अंदर की तरफ रिवाइव पॉइंट पे एक बंदा दिखता है जो कि अपने बंदों को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर मैं उसे डैमेज देता हूँ, और फिर वो डर के मारे भागने लगता है, और मैं सोचता हूँ कि ये भाग जाएगा, बट उसे क्या पता कि उस पर तो मोको लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं उसे पकड़ के मार ही दूंगा। फिर वो बंदा घूम के घर को रोटेशन लेके ही सोचा इधर लेफ्ट से निकल जाऊँगा, बट मेरे मैं तो हूँ यार बहुत साथ देख लिया बंदा भाग रहा है। फिर मैं इसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ, बट ये मरता नहीं है। फिर मैं अपनी स्पोर्ट्स वाली स्किल लगा के मतलब फोन लगा के इसे मार देता हूँ, और फिर मैं वापस से स्टाइल मारने निकलता हूँ बाहर शो ऑफ करना। यार कहीं ना कहीं और बंदे मिल जाए तो 1v4 मार के वीडियो बनाऊंगा और मस्त ऐश करूंगा। बट यार फिर बाहर देखता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे को एक बंदा लैंड करते हुए दिखता है, और तुम लोगों ने देखा कि नहीं पता नहीं, मैं उसे मारने निकल जाता हूँ तुरंत। और फिर जब उसे मारने निकल रहा होता हूँ तो रास्ते में मुझे कहीं ना कहीं फुटस्टेप्स आना स्टार्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो बंदा मेरे अगल बगल में ही है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये टावर पे है, फिर मैं टावर पे जाता हूँ, बट टावर पे बंदा नहीं होता है। फिर मैं देखता हूँ कि घर के अंदर कोई बंदा है जो मूवमेंट कर रहा है। फिर मैं नेट कुक करता हूँ, बट नेट कुक करने आता नहीं मुझे, और फिर मैं बाहर फेंक देता हूँ, पता नहीं कैसे क्या हुआ मेरे साथ। फिर मैं सोचता हूँ कि ये बंदा कहाँ गया है, ये बंदा मुझे दिख जाए बट मैं इसे पीछे से हेडशॉट मार लूँगा। फिर मैं देखता हूँ कि ये बंदा शायद हगने गया है पता नहीं, फिर मैं इसे आराम से हेडशॉट लेता हूँ और जल्दी से फिनिश कर दूँगा। और इसी के साथ मेरे के पूरे 4 किल, और फिर मैं सोचता हूँ कि जाके इसको मस्त लूट किया जाए क्यों ना, और अपनी लूट को और थोड़ा बढ़ाया जाए। तभी मुझे एक और बार फुटस्टेप्स आने लगते हैं, और फिर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि एक बंदा ऊपर है, देखता हूँ कि ये तो वही बंदा है जो जिसे मैंने कुछ देर पहले मारा था। तो इसलिए बहुत चालाकी करता है बंदा, इसे मारने मुझे बहुत दिक्कत होता है यार। फिर मैं इसे कैसे भी करके बहुत मेहनत से मारता हूँ, बहुत मेहनत करता है, और फिर मैं इसे नॉक करता हूँ बहुत मेहनत से। नॉक करने के बाद इसे मैं जल्दी से नीचे ये कूद जाता है। फिर मैं देखता हूँ तो ये बंदा अपना दिमाग यूज़ कर रहा था, हॉर्ज लाइन यूज़ कर रहा था, बट इसे क्या पता हम इसे ज़्यादा चालाके बाबू भैया। फिर इसे हमने मार दिया, और इसी के साथ मैं थोड़ा लूट कर रहा हूँ, और मैंने MP40 ले लिया ट्रंगन के बदले, क्योंकि ट्रंगन की एमो नहीं थी मेरे पास। और फिर मैं और बंदों की तलाश में इधर उधर भटकने लगता हूँ, और फिर उसके बाद
फिर उसके बाद मुझे दिखता है कि एक और बंदा मेरे घर पे रश कर रहा था, जिससे मैं 54 का डैमेज दे पाता हूँ। और फिर वो बंदा उस पर मोको लग जाता है, वो नीचे की तरफ आ रहा था, फिर मैं उस पर तुरंत रश करता हूँ। और कहीं ना कहीं वो बंदा भागने की पूरी कोशिश करता है, और बट उसे मोको लगा हुआ था तो वो भाग नहीं पाता है, बट मुझे बहुत भगाता है वो बंदा, यहाँ पे नॉक नहीं कर पाता, एक गोली बाकी रह जाता है। फिर ये वापस से भागता है और ये बगल वाले छत के ऊपर चले जाता है। और फिर मैं ऊपर जाके इसे बहुत मेहनत से यार गोलियाँ मार के इसे नॉक करता हूँ, और इसी के साथ ये बंदा नॉक। और ये बंदा काफ़ी चालाक बन रहा था, बट इसे हमने दिखा दिया कि हम इससे ज़्यादा चालाक है। फिर मैं लैंडमाइन डालता हूँ, सोचता हूँ कि मुझे किल मिल जाएगा, बट पता नहीं किल मुझे मिलता नहीं है। फिर मैं देखता हूँ कि सामने एक और बंदा, उसे मैं पूरा डैमेज देता हूँ, बट वो बंदा छुप जाता है। फिर मुझे लेफ्ट से डैमेज आने लगता है। फिर मैं घर के अंदर जाता हूँ, जल्दी से सोचता हूँ आराम से मेडिकेट लेके बाद में बंदे मारेंगे, पहले थोड़ा सेफ हो जाए। तो इसी के साथ छिपे हो चुके थे। और फिर मैं कुछ देर बाद सोचता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं टावर पर चढ़ सकता हूँ। फिर मैं जब चढ़ रहा होता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिलता है, मैं बस 57 HP बाकी रहता है। फिर मैं सेफली बच जाता हूँ कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद मैंने तो सोच लिया इस नूबड़े को बहुत गंदी मौत मारूंगा, मैं कुत्तों की मौत मारूंगा। फिर मुझे दिखता है ये बंदा नीचे उतरा, फिर मैं उसे बुक पैकर से एम लेके आराम से मैं 3 से 4 गोली भी फिनिश करके पूरा मार लेता हूँ, ठीक है। और मुझे अंदर से वो वाली सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना नीचे जाया जाए, क्योंकि एक और बंदा दिखता है जिसे मैं डैमेज देता हूँ। बट फिर मुझे एक और बंदा दिखता है जो कि बगल वाले घर से आ रहा था। फिर मैं इसे हेडशॉट लेने की कोशिश करता हूँ, और कहीं ना कहीं इसे मैं लाल वाला हेडशॉट मारता हूँ, गाइस लाल वाला पहला हेडशॉट। और फिर मैं सोचता हूँ मुझे नीचे जाना चाहिए, और कहीं ना फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे पहले मेडिकेट लगाना चाहिए ताकि मेरी HP ना कम हो जाए और मैं गिरते गिरते मर ना जाऊँ। फिर मैं आराम से लॉन्च पैड लगाता हूँ और दूर से उड़ के जाता हूँ बंदों के पास। और जैसे मैं जाता हूँ, मुझे दिखते हैं कि सामने 2 बंदे और हैं जो कि मेरे बगल से जा रहे थे। फिर मैं उससे सोच रहा हूँ मारूँ, फिर मेरे हाथ में ग्रैपलिंग आ जाता है, मैं इसे मार नहीं पाता और ये मुझे मार देता है। और इसी के साथ यार मैं सोचता हूँ कि हॉरिजॉन लगाऊँ, बट नहीं, और मुझे फाइनली इसने मार दिया। और यही भी वीडियो खत्म गाइस। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस सब तक के लिए बाय, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक टाटा सी यू, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय।